वेलकम बैक। स्टेप वन, क्रिएट ईमेल अकाउंट। आपको मैं दो जगह पे प्रेफर करूँगा कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, एक जीमेल में, एक याहू में। आपका ऑलरेडी ईमेल्स अकाउंट होंगे, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप नए सिरे से एक अकाउंट क्रिएट करें और दोनों में कोशिश करें कि सेम हो और इजी हो। और इसके अलावा दोनों में क्रिएट करें कि दोनों में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ करना चाहेंगे। और इसके अलावा डिजिट्स का इस्तेमाल हरगिज़ ना करेगा। और डिजिट्स मीन कि आपके 1, 2, 3 इस तरह कुछ वर्ड होते हैं जो आप यूज़ नॉर्मली करते हैं, तो आप कोशिश करें कि वो हरगिज़ इस्तेमाल में ना करें। सेकेंड, कोई इस तरह का नाम सोचें जो कि आप उसको एज अ कंपनी शो करवाएं, ताकि इन फ्यूचर में आप कुछ टाइम के बाद अपने आप को जब क्लेम करें तो आप शो करवा सकें कि जी मेरी कंपनी फलां ईयर से काम कर रही है, 3 ईयर से काम कर रही है, 2 ईयर से काम कर रही है, व्हाटएवर। तो आप उसको इजीली शो करवा सकें और उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। ईमेल आपको अकाउंट क्रिएट करवाने का मकसद जो है वो नया, इसलिए कि आप पर्सनल अगर ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपको कुछ मेल्स आएंगी यूज़र की तरफ से और कुछ आएंगी आपको नेटवर्क की तरफ से, तो उसमें चांसेस हैं कि आपका मेल्स जो हैं वो काम की मेल्स आपके नॉर्मल मेल्स में इंक्लूड हो जाएं और आपको आप गलती से डिलीट करते हैं जो आपको पता ना चले, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अकाउंट क्रिएट किया, नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और तो आपको एटलीस्ट ये कंफर्म होगा कि ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर जितनी मेल्स आएंगी वो काम की ही मेल्स होंगी। दो अकाउंट्स लिए क्रिएट करने की बात करूँ कि दोनों में कुछ फीचर्स हैं जिनको इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जीमेल को एज़ अ प्राइमरी अकाउंट रखिएगा और याहू को सेकेंडरी। याहू को सेकेंडरी इसलिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको मालूम होता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा मेल्स आपको आनी है, कुछ जगह आपको मेल्स देनी पड़ जाती हैं जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से फजूल मेल आनी है, तो लेकिन इंटर भी करना ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर याहू का अकाउंट दे दीजिएगा। जी मेल को आप एज़ अ प्रोफेशनल यूज़ करिए, क्योंकि उसमें एडसेंस का जो सिस्टम है हमें मेल्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा आएंगी, तो इसलिए जी मेल को आप एज़ अ प्रोफेशनल और प्राइमरी रखिएगा। अब बात करते हैं इनकी फीचर्स में हमें क्या क्या एडवांटेज है। पहला जो एडवांटेज हमें वो गूगल एडसेंस का है। गूगल एडसेंस का पता है कि ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आपको एड्स जो है एड्स पे पर क्लिक करने पर या सम टाइम सेल होने पर आपको पे मिलती है। आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा देखा होगा नेट पे कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि गूगल जो है इनको $100 पर आवर पे कर रहा है, $200 पर आवर पे कर रहा है, तो वो एक्चुअली गूगल एडसेंस के थ्रू इस तरह पे हो रहा होता है कि उन्होंने ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट की होती है, तो गूगल के उन्होंने ऐड क्लियर अपने अकाउंट पर अटैच किए होते हैं, बैनर पेस्ट किए होते हैं, तो कोई भी उस पर क्लिक करता है तो पर क्लिक उनको मिलता है। और उस पर आपका अगर सेल होता है तो उस पर भी आपको कमीशन मिलता है। इसके अलावा गूगल का एक है गूगल एडवर्ड। एडवर्ड ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनी जो है वो अपने ऐड देती हैं और पब्लिशर जो है वो गूगल एडसेंस से ऐड लेते हैं, तो कंपनीज एडवर्ड में ऐड देती हैं और पब्लिशर जो है एडवर्ड से ऐड लेते हैं। इट्स मीन कि हम लोग एडसेंस से अपना लेंगे। फ्यूचर में अगर आप चाहें कि आप अपनी वेबसाइट की या अपनी ही जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई सेल प्रोडक्ट है उसको मार्केट करना चाहते हैं, तो आप एडवर्ड यूज़ करके उसको पब्लिश कर सकते हैं। फिर गूगल का एक है एलेनस्टिक। एलेनस्टिक ऐसी इनका है फीचर्स जिसमें वो सारा बताते हैं कि आपको कहाँ से यूज़र आपको ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, यूज़र कहाँ से आ रहा है, किस कंट्री से, किस टाइम आ रहा है, कितने यूज़र्स आ रहे हैं, किस जगह से, किस मुल्क से आ रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर हम मेन चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है गूगल का ब्लॉग। ब्लॉग बेसिकली डिज़ाइन किया गया था इलेक्ट्रॉनिक डायरी के तौर पे, कि लोग जो हैं अपनी डायरी जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कंप्यूटर पे, नेट पे वो अपलोड करें, डेली वहाँ पे अपना ब्लॉग क्रिएट करें, वहाँ डेली की अपनी रूटीन वगैरह लिखें, ताकि अपने आपकी गलती से, आपके एक्सपीरियंस से दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। लेकिन बाद में लोगों ने उसको एज अ
प्रोफेशनल तौर पर फ्री रिसोर्सेज के तौर पर वेबसाइट क्रिएट करने में और गूगल अकाउंट एडसेंस अकाउंट लेने में इस मकसद के लिए उन्होंने ब्लॉग का यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो शुरू में हमने फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल करने तो इसलिए हम ब्लॉग को जो है वो यूज़ करेंगे एज अ फ्री रिसोर्सेज एज अ वेबसाइट। तो हम इसको इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क को रन करेंगे क्योंकि हर एफिलिएट नेटवर्क को नेटवर्क जितने भी हैं वो एफिलिएट नेटवर्क जो है सीपीए नेटवर्क जिसे कहते हैं उन वो मेजॉरिटी जो है इनमें 90% जो है वो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग मांगते हैं क्योंकि उनको चाहते हैं कि उनको पता चले कि आप कहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स सेल या प्रमोट कर सकते हैं। तो आप उस टाइम आपको ब्लॉग का एड्रेस देना होगा कि ये मेरी ब्लॉग है मैं यहाँ पर आपका पब्लिश करूँगा। फिर गूगल के कुछ गैजेट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं आपको गैजेट्स मुख्तलिफ जगह से मिल सकते हैं जैसे कि क्लॉक का हो गया वेदर का हो गया न्यूज़ का हो गया कैलेंडर का हो गया आईपी एड्रेस का हो गया इस तरह बहुत सारे गैजेट्स हैं। तो याहू में भी सॉरी गूगल में भी बहुत सारे ना आप गैजेट मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट की आउटलुक खूबसूरत बनाएंगे और इसके अलावा यूज़र को एडवांटेज देंगे कि वो इसका फ़ायदा उठाए जैसे कि गूगल का एक जो है लैंग्वेज सिस्टम लैंग्वेज चेंज करने का कि आपने इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है कोई अगर पाकिस्तान से आता है उर्दू में देखना चाहता है तो वो लैंग्वेज चेंज करके उर्दू में देख सकता है अरबी का है इस तरह और मुख्तलिफ हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं तो वो गैजेट हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा गूगल का सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है एसईओ सिस्टम। एसईओ कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर सर्च इंजन का अपना एक सिस्टम होता है तो इसी तरह गूगल का भी है उसको हम इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह उसको हमने यूज़ करना है। जो एक्चुअली हम ब्लॉग यूज़ करेंगे तो हमें एसईओ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ब्लॉग में बिल्ट इन ही एसईओ सिस्टम है। मीन्स कि आप जब आप अपलोड करेंगे तो यूज़र जो है वो आपके ब्लॉग से कीज़ और उसने जो सर्च इंजन में जो लिख रहा है कीज़ उससे मैच करेगा। जितने वर्ड मैच करेंगे वो उतने ही आपके वेबसाइट ऊपर आने चांसेस होंगे। अगर वेब सर्च इंजन में उसने कीज़ लिखी हैं वो आपके वेबसाइट से टोटल मैच करती हैं तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले आ सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक सिस्टम पर भी और आपके कंटेंट्स वगैरह पर भी। फिर इसके अलावा गूगल का एक और है वेब मास्टर सेंटर। वेब मास्टर सेंटर जो है आपका सेंट्रल जो है वो ऐसे उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है कि आपके कोई भी वेबसाइट है या आपका कोई ब्लॉग है आप अपलोड की है तो आप इसमें ऐड कर दें तो उसका एडवांटेज ये होगा कि गूगल वाले आपकी वेबसाइट का एक एक पेज चेक करेंगे उनको स्टडी करेंगे और उसमें आने वाले एरर्स जो हैं वो आपको फौरन बताएंगे ताकि आपका एसईओ सिस्टम में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। समटाइम ऐसा होता है कि आप एसईओ सिस्टम में आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और की भी मैच होती हैं लेकिन आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आ रही थी। उसकी रीज़न यही होती है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर्स मौजूद होते हैं तो वेब मास्टर सेंट्रल जो है वो आपके इस एरर्स को आपको बताएगा कि इस वेबसाइट पे किस जगह पे या किस ब्लॉग पे किस जगह पे आपका एरर मौजूद है उसको रिमूव करें। फिर हमारे पास फीचर्स जो है याहू के वो ये 3 फीचर्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। इनका पहला फीचर जो है वो चैट रूम का है। हम अपने एफिलिएट नेटवर्क से जो लिंक मिलेगा हम चैट रूम में जाके मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चैट रूम्स में क्योंकि वो इंटरनेशनल होता है तो आप इजीली हर कंट्री के हर सिटीज़ के अलग चैट रूम बना हुआ है तो आप इजीली वहां जाके उसको लिंक को पेस्ट करके वहां पब्लिश कर सकते हैं और वहां से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। फिर याहू का एक और बड़ा अच्छा फीचर जो है वो इनका है क्वेश्चन एंड आंसर का। डेली हज़ारों की तादाद में आपके क्वेश्चन और आंसर का सिस्टम क्वेश्चन और आंसर होते हैं याहू पे। इसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी है क्योंकि आंसर देने पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और क्वेश्चन करने पे कुछ पॉइंट्स कटते हैं। फिलहाल ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर क्वेश्चन आंसर का कोई पॉइंट्स का कोई इशू नहीं वहाँ पर ऐसा। स्टार्टिंग में लेवल सिस्टम है शुरू में आप आई थिंक 20 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लेवल्स और आपका क्वेश्चन आंसर उसका पॉइंट्स का कोई मसला नहीं है। आप जस्ट स्टार्ट में भी शुरू में भी हम सिर्फ 4-5 क्वेश्चन के आंसर दिया करेंगे। जैसे जैसे हमारे लेवल अपग्रेड हो जाएगा तो फिर हम अपनी क्वांटिटी जो है वो 10-15
क्वेश्चन का आंसर हम दिया करेंगे। इसमें बेसिकली करना ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन किए होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी से किए होते हैं, तो आपको एफिलिएट नेटवर्क में आपके पास मौजूद होंगे ऑप्शंस, वहाँ से उनको क्वेश्चंस के आंसर का प्रॉपर आंसर दें, सही आंसर दें, और लास्ट में अपना कमेंट्स दे दें कि आप मज़ीद डिटेल के लिए आप फलां वेबसाइट पर विज़िट करें तो अपना लिंक वहाँ पर ड्रॉप करें। लेकिन आपने हरगिज़ ये हरकत नहीं करनी कि आप ये लिख दें कि विज़िट प्लीज़ विज़िट दिस वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दिस वेबसाइट। तो इस तरह करने पे यूज़र जो है वो आपका क्लेम कर सकता है आपके ऊपर कि आप स्कैम कर रहे हैं, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। तो आप सिर्फ स्टार्टिंग में 3-5 क्वेश्चन के आप आंसर्स दें और प्रॉपर आंसर्स दें, और उसके बाद अपना पोस्ट लिंक जो है पेस्ट करें। याहू का भी अपना एसईओ सिस्टम है जिनको हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे वहाँ पे सर्च इंजन में हमारे इजीली हम वहाँ पे अवेलेबल हो सकें। फिर कुछ ऐसा में एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं इन अकाउंट के थ्रू हम यूज़ करेंगे, वो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपल अकाउंट, एफिलिएट नेटवर्क जो है आपको पे करेंगे मुख्तलिफ तरीके से, चेक के थ्रू, वायर ट्रांसफ़र, और एक है इनका पेपल। तो हम पेपल अकाउंट यूज़ क्रिएट करके वो यूज़ करेंगे। पेपल अकाउंट पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप अपने बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इसका एक अलग सा वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से पेपल का अकाउंट क्रिएट करना है फेक तरीके से और अप्रूवल किस तरह हो सकती है। फिर इन अकाउंट के थ्रू आप मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, माई लॉट हो गया, ऑर्किड हो गया, ट्विटर हो गया। ये चार जो हैं बहुत हिट जा रहे हैं, ख़ासतौर पे फेसबुक, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा माई लॉट की। उसकी रीज़न ये कि माई लॉट जो है इसमें सारा काम फेसबुक और के ट्विटर वाला ही है इसमें भी, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पर कोई भी लिंक पेस्ट करते हैं, कोई भी ट्यूब वीडियो पेस्ट करते हैं, पिक्चर अपलोड करते हैं, किसी को कमेंट्स देते हैं, ग्रुप ज्वाइन करते हैं, हर काम पे आपको इसमें कुछ अर्निंग होती है, इट्स मीन कि कुछ पे करते हैं। और जैसे जैसे आपके वो नेटवर्क बड़ा होता जाता है, आपके कमेंट ज़्यादा होते जाते हैं, आपकी पे भी बढ़ती जाती है। इट्स मीन कि ये आपको यहाँ पे और बाकी इन तीन जगहों पे आपको किसी किस्म की कोई पेशे नहीं मिलनी, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होनी, लेकिन माई लॉट में ये ऑप्शन मौजूद है कि आपको हर काम पे आपको पे मिल सकती है, थोड़ी मिलती है, लेकिन जो काम आपने वहाँ करने हैं वो भी ही करना है आपने। तो आप मेरा प्रेफर ये करूँगा कि आप माई लॉट ही यूज़ करें। और ये बल्कि एक और चीज़ में इम्पोर्टेंट ही है कि ये एसईओ सिस्टम में भी गूगल के ख़ास तौर पे आपको इजीली मिल जाता है। इट्स मीन कि आप वहाँ कोई पेज करते हैं, कमेंट वगैरह देते हैं, तो आप गूगल में भी उसको सर्च एसईओ सिस्टम में उसका भी आ जाता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी अगर सर्च करता है तो आप गूगल में, और वो आपका कमेंट जो है उसके साथ मैच करता है माई लॉट में, तो वो आपको गूगल के सर्च इंजन में वो शो करवा दे, जबकि फेसबुक में और कट में ड्यूटेन मैसेज ऑप्शन नहीं है। फिर हमने यूज़ करना है इसको यूट्यूब में, यूट्यूब आप वहाँ पर अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की, ख़ास तौर पे बास को ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि उनको 3D व्यू में उनको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिले, तो आप वहाँ पर अपना उस प्रोडक्ट की आप वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के, टू थ्री फाइव मिनट्स की आप बना के वीडियो वो अपलोड कर दें, ताकि कोई भी यूज़र जो है वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो वहाँ से उस की वीडियो देखे। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक ड्रॉप कर दें ताकि वो आपके लिंक के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकें। तो ये कुछ फीचर्स थे जिनको हमने यूज़ करना है और उनको समझने पर काम करना है। तो आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।